मैं आज अपनी पार्टी हाई कमांड जनाब स्टेट प्रेसिडेंट जी मीर साहब का और सबका वजीर और डिस्ट्रिक्ट सदर जनाब शबीर अहमद खान साहब का शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर अपने जो मेरे मेंबर हजरात हैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर मेरे पर एतमाद किया, मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी। मैं इंशाल्लाह इस जिम्मेवारी को बड़ी ईमानदारी तरीके से निभाऊँगा। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, हमारे जो म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ थाना मंडी में, उसमें जो नेशनल काउंसिल पीडीपी ने जो एक बाइकाट की कॉल दी थी, वो एक बाइकाट कॉल जो थी वो खाली महबूबा जी और उमर साहब के दरमियान में थी। बहरहाल ग्राउंड में जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई एक बीजेपी का पीडीपी की सपोर्ट कर रहा है और पीडीपी का एनसी की सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के, अपने तमाम लोगों के जिन्होंने उन लोगों को रिजेक्ट किया और कांग्रेस को उन्होंने समझा कि कांग्रेस ही बाइट पार्टी है जो ये मुल्क को आगे ले जा सकती है, जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट को आगे ले जा सकती है। और उन लोगों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उन लोगों को रिजेक्ट करके कांग्रेस को आगे लाया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी कांग्रेस ही आएगी। और मैं उन लोगों को एक तमाम मौजूद लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ही एक वाहिद पार्टी है जो देश को आगे ला सकती है, जो देश को जो मजबूती की तरफ ले जा सकती है, और कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जो देश को हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे ले जा सकती है। शुक्रिया।